गज वगैरे दाखवते उलट घाला बरं सर उलट उरफाट हा या साईडने ही फरशी काढायची आपल्याला ह्याकडेची ही काढायची पहिली ही काढावं लागेल दोस्तों रेड सैंड बोवा साफ है बड़ा रेड सैंड बोवा है और मुझे खींचने में भी बहुत तभी ताकत लगानी पड़ रही है बाहर निकालने के लिए उचला हाथ हाथ उचला आता काही नाही दोस्तों बिना जोर वाला साप है मांडवा साप यानी रेड सैंड बोवा साप नहीं तो मांडवा है सापच मांडूळ मांडूळ त्याचं नाव आहे सापच येतो सापाचं नाव असतं मांडूळ नाही आम्ही चुकतो काय हे थांबा दरवाजे लावा लागेल ते नाही गाड करणार ते दरवाजे नाही गाड करणार ते उचतारून घेता येईल लागतं ते बहुत ही ज्यादा ताकत लगा रहा है ही फरशी त्याच्या याच्या भिंतीच्या खाली का भिंतीच्या खाली नाही आहे भिंती पर्यंत ते ताकद लावा लागेल सोडले मत जाईल ना मग शेट उचका तेवढी खतन उच का ना काढून नाही ती ना काढू दोस्तों ये साफ है रेड सैंड बोवा और इसे हमारे महाराष्ट्र में कुछ ग्रामीण लोग गांड मांडूळ भी बोलते हैं हाँ गांड मांडूळ बोलता है लेकिन ये गांड मांडूळ नहीं होता ये मांडूळ होता है इसका नाम मांडूळ होता है और इसे रेड सैंड बोवा बोलते हैं बहुत ही प्यारा सा साँप होता है आकार में अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है और अंधश्रद्धाओं के कारण इसे पकड़ा जाता है और लोग बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ये कानूनन जुर्म है कोई भी ऐसी करने की कोशिश करता है तो उसको जेल हो सकती है अभी हम इस साँप को तुरंत ही जंगल में छोड़ देंगे लोगों की और भी इसके बारे में गलत फहमियाँ है कि अगर ये साँप काट लेता है तो जख्म सड़ जाती है लेकिन जख्म नहीं सड़ती इसके काटने से कुछ नहीं होता और इसे हिंदी में दुम वाला सांप बोलते हैं और मैं हर बार मेरे वीडियो में दिखाता हूँ कि इस सांप को मुंह एक ही होता है ये इसका मुंह है ये इस लेकिन अगर सामने से
एकदम सामने से अगर इसे देखा जाए तो ये इसके मुंह जैसा ही दिखता है, लेकिन मुंह एक ही होता है सांप को। ये एक होटल है, बियर बार है, यहाँ पे छुपा हुआ था सांप, तो चलो इसे छोड़ देते हैं। चलो चाचा शेट लगे तो ना वापस शेट आले इकडे शेट को माल भी लेता शेट को लेता ना शेट आना होगा ना यूट्यूब पे सर को मित्र है कि सर कर लोगे हाँ शेट को ले शेट को ले इधर आओ ना यूट्यूब पे डालने का शेट तुमको चलो इन्होंने मुझे कॉल किया था कि इनका ही बियर बार है यहाँ पे अंदर किचन रूम में, ये रेड साइन वो निकला था तो अभी हम इसे तुरंत जंगल में छोड़ने वाले हैं। Thank you.